क्या सना खान सिंगल है? ये मेरे साथ साथ बहुत लोगों का सवाल। यस, सना रईस खान इज नॉट डेटिंग एनीबडी राइट नाउ। राइट नाउ आई एम डेटिंग माय लीगल करियर। आपने आपने कॉफी पे हाथ रख के, यस आई एम डेटिंग माय लीगल करियर राइट नाउ। देख क्या रहे हो, मौका है। आई एम डेटिंग माय लीगल करियर राइट नाउ। सो व्हाट्स योर करंट मूड? अभी क्या चल रहा है? What's your current mood अभी right तो now? अगर आप आज का ही देखो तो मैं दिल्ली में आपसे मिली हूँ, क्योंकि मैं पूरा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में मेरे केसेस चल रहे थे। मेरा ऐसे ही है, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, ये सब। अभी फिलहाल मेरा ये फ्राइडे को लास्ट डे है कोर्ट वर्किंग डे, तो उसके बाद वेकेशन है। आई एम प्लानिंग टू फ्लाई टू लंदन फॉर वेकेशन। हाँ, वेकेशन करने जाऊंगी। और फिर मुझे भी ब्रेक की जरूरत है थोड़ी, बिकॉज मेरा काम बहुत ज्यादा, मतलब इट्स नॉट जस्ट, इट्स मेंटल मेंटल ज्यादा हमारा, मेंटल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मेंटली हम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। और अभी यू नो स्पेशली विद ऑल दिस फर्म लॉन्च करना है, ये वो, उसके साथ ही साथ केसेस इतने सारे हैंडल करने, बिकॉज माशाल्लाह से ऑन डे टू डे बेसिस आई एम डीलिंग विद टू मेनी केसेस ऑन डे टू डे बेसिस। तो हर केस में आई इक्वली पे अटेंशन, उन चीजों को भी ध्यान देना है, फर्म लॉन्च भी देना, तो हर चीज पे इट हैज टेकन अ लिटिल टोल ऑन माय हेल्थ आल्सो। सो आई एम डिसाइडेड कि जैसे ही मेरे कोर्ट की छुट्टी आएंगी, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन फॉर अ लिटिल ब्रेक। सो सना खान हिडन टैलेंट, एक टैलेंट तो हमें दिख गया, सना रईस खान बहुत अच्छा डांस करती है। बहुत अच्छा डांस करती है। इनकी पूरी दुनिया, जिन लोगों ने बिग बॉस देखा है सब फैन हो चुके हैं। हालांकि हमारे पास अभी कुछ ऐसा म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल सब ने तारीफ की है। सलमान सर ने तारीफ की है, माधुरी मैम ने तारीफ की, कैसा लगता है? बहुत अच्छी फीलिंग है, बिकॉज यू नो स्पेशली तब और अच्छा लगता है कि मतलब इंटेंशन था भी नहीं दिखाने का, पर अचानक से दिख गया और फिर वो उभर के आया धीरे धीरे यू नो शो में, टाइम के साथ डिफरेंट डिफरेंट different different songs पे different performances हुए, फिर वो सब देख के और जैसे इन्होंने appreciate भी किया, तो अच्छी feeling आई। फिर वो अच्छा ही कहा गया मेरे बारे में, उससे सराहा जाता है जब आपके talent को appreciate किया जाता है, it's always a wonderful incredible feeling। and फिर हाँ, अगर आप दूसरे hidden talents की बात करो तो obviously मैं I'm a good singer also, मैं गाती भी बहुत अच्छा हूँ। जब दस्तूर है, मौका है, यही होता है ना, जब मौका है दस्तूर है, तो एक लाइन सलमान खान या शाहरुख खान की कोई मूवी का शाहरुख खान का बहुत सारे रोमांटिक गाने, उनके डीडीएलजे का कोई उठा लेते। तुझे देखा तो ये जाना सनम, लग जा गले, लग जा गले, लग जा लता जी। हाँ हाँ, आई एम नॉट श्योर, नहीं लता जी का बर्थडे पे था, 28 सितंबर। हाँ या नाइस। सो कोई नहीं, लता जी का गाना ले लेते, बस एक लाइन, एक लाइन भाई, हिडन टैलेंट है, हम निकलवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स, आई एम गुड एट सेवरल, इनफैक्ट करण जौहर आल्सो अप्रिशिएटेड मी फॉर माय रैंप वॉक आल्सो, जो मैं कभी-कभी घर पे टाइम पास करती थी, सो ही सेड सना यू नो आई सॉ योर रैंप वॉक एंड योर डांस मूव्स, प्रॉम पे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। वाओ यार, तो मेरे बहुत सारे हिडन टैलेंट्स थे जो धीरे-धीरे दिख के आए शो में। या सो पहले तो एक लाइन, लग जा गले के तेरी हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से से। वाह, कि सच में बहुत अच्छा गाते हो। वैसे जैसे हम भी बोल लेते हैं, हम भी गाते हैं, बट हम गाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे हमें। बट यार या श्योर, या श्योर। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। लवली 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 भाई, न्यूज नेशन में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। और एक ये लास्ट सवाल है, इस पे देखो पैसे लगे, तो इस पे आप एकदम सही सही जवाब देना, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। जब आप बिग बॉस से निकले थे ना, तो उन्होंने कहा था कि आएंगे यार मूवीज में, आएंगे बिग बॉस से जो निकलता है वो मूवीज, वेब सीरीज, टीवी शोज, रियलिटी शोज आते ही है। मैंने कहा था नहीं, ये कंटिन्यू करेंगे अपने करियर में, तो आप सोच समझ के जवाब देना कि जीता कौन है, मैं या मेरे हस्बैंड। देखो अभी फिलहाल तो आप जीत चुके,
ऑल्दो मैं ओटीटी पे आई हूँ शो के बाद, मैं नेटफ्लिक्स पे दिखी हाँ, बट वो भी मैं ऐसा लॉयर दिखी हाँ, तो अभी फिलहाल तक लाइक, बट यू नो व्हाट आई बिलीव इन लाइफ, यू कैन नेवर से नेवर फॉर एनीथिंग, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी रियलिटी शो करूंगी ऑनेस्टली, तो मैंने ये अब तो इसलिए मैं किसी चीज को एकदम से कम्प्लीटली आई विल नेवर शनवे सिंह की ये तो मैं कभी करूंगी ही नहीं, बट अभी फिलहाल तो इफ यू सी आफ्टर कमिंग आउट, राइट आफ्टर कमिंग आउट आई जस्ट जंप्ड इनटू माय प्रोफेशन, इनफैक्ट और ज्यादा दुखनी तरीके से, क्योंकि मुझे और टू इनफैक्ट टू मेक इट अप ऑल्सो, वो जो ढाई महीना में नहीं थी तो वो टू मेक इट अप फॉर दैट ऑल्सो, तो मैं और ज्यादा ऑक्यूपाइड होकर मैंने उल्टा डबल हार्डवर्क करके मैंने माशाल्लाह सारी चीजें वापस बैक ऑन ट्रैक करी, तो अभी फिलहाल तो माय प्रोफेशन रिमेन्स माय प्रायोरिटी, एंड मैं अभी फिलहाल मेरा SRK लीगल फर्म है जो मेरे लॉ प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, वो मेरा पूरा 24 आवर्स मेरा उसमें जा रहा है अभी फिलहाल, मैं ऑक्यूपाइड विद द बिहाइंड द सीन्स वाले जो मेरे वेबसाइट है, बाकी सारे स्टाफ सब चीज जो है वो सब सेट हो रही है, बाकी सब चीज तो उस पर ही मेरा पूरी एनर्जी और टाइम जा रहा है,